हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेज सेकंड के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और जो हमारा बेसिक फोकस है वो हमारा कैटेगरी सी पे है। आज हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे, टाइपिंग टेस्ट के रिलेटेड, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज हुई हमारे लास्ट वीडियो में और काफ़ी कैंडिडेट्स ने इसको पसंद किया। फॉर थैंक फॉर दिस कि उन्होंने इस वीडियो को पसंद किया और अपनी क्वेरीज को हमारे चैनल्स पे शेयर किया। कुछ कैंडिडेट्स को फिर भी डाउटफुल रहा कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आज हम यहाँ पे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। फ्रेंड, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो उसका कंटेंट जो भी हमारे पास रहता है विद प्रूफ रहता है। जैसे कि आज हम यहाँ पे क्वेरीज में आपको बताएंगे कि क्या क्या आपकी क्वेरीज थी और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसके वीडियोज़ नहीं बनाते हैं लेकिन वो वहाँ पर अवेलेबल करा देते हैं। साथ ही साथ चैनल्स के जितने भी अपडेट्स होते हैं वो हम टेलीग्राम के इस चैनल्स पर देते रहते हैं। साथ ही साथ जो कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के प्रिपरेशंस कर रहा है और ना कुछ भी डाउट्स है तो वो इस टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ें। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यहाँ से भी आप कनेक्ट होके ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को। तो चलिए देखते हैं कि क्या था हमारा ये इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इशू। देखिए फ्रेंड, जो मोस्टली केस में कैंडिडेट्स के क्वेरीज आई हैं, ठीक है, तो वो आई है आपकी सेकेंड नंबर। आप लोग यहाँ जैसे कि देख पाएंगे सेकेंड नंबर, और जो इनकी आई है आपकी टंकर से रिलेटेड, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे परीक्षा स्थिति में प्रवेश, सॉरी उसे कहते हैं छोड़ने की, एक सेकेंड। और नेक्स्ट पेज पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इससे रिलेटेड 9, 10, 11, ठीक है, इस तरीके से है। और एक क्वेरीज रही थी अगर यहाँ पे जो हमने लास्ट में डिस्कशन किया था प्रश्न पत्र बटने के बाद, तो यानी फोर्थ नंबर की, ठीक है, तो इस पर इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेरीज रही। वन बाय वन सभी क्वेरीज का हम निदान करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ है। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, पहली क्वेरीज जो हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे वो ऑफलाइन और ऑनलाइन की। फ्रेंड देखिए, जैसे कि अगर आपने अगर हमारे चैनल्स को हमेशा फॉलो करते रहे होंगे तो हमने पहले एक FTC का भी एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, जिसमें FTC इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया था, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। हम इसकी इस वीडियो के एंड में, ठीक है, इसके एंड स्क्रीन में एक वीडियो से इंस्ट्रक्शंस FTC के क्या थे, उससे आपको भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि उनकी ऑनलाइन क्यों हुई थी और क्या इंस्ट्रक्शंस थे। सेकंड थिंग्स, अगर आप यदि RO या ARO के आप अगर देखना चाहेंगे, ठीक है, तो उसमें भी कुछ इसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस थे और उनकी जो टाइपिंग हुई थी वो इसी तरीके से हुई थी कि उन्हें जो पेपर दिया गया, ठीक है, और उस पर वर्ड्स जो दिए हुए थे उन्हें टाइप करने थे, ठीक है। थर्ड थिंग्स हम आपको बताएं कि थर्ड थिंग क्या है, जब आप अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट सेल्स में कॉल करेंगे, ठीक है, तो वहाँ भी आपको यही रिप्लाई मिलेगा कि उसे कहते हैं जो आपकी टाइपिंग होगी उसके लिए आपको मैटर दिया जाएगा, ठीक है, वो मैटर आपको जस्ट टाइप करना होगा अपनी ऑनलाइन स्क्रीन पर, ठीक है। तो आई होप कि ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। आपको मैटर जो मिलेगा वो आपको एक पेपर पर लिखा हुआ मिलेगा और उसे आपको ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स ये रहेगा कि आप उस पेपर को किस तरीके से सेटअप करते हैं और उसके बाद कैसे टाइप करते हैं। सेकंड थिंग की बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। देखिए फ्रेंड, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशंस के बारे में बात करें तो आप अगर इंस्ट्रक्शंस में अगर देखेंगे तो कहीं भी ये मैंशन नहीं है कि आपका DV होना है, ठीक है, कि DV आपका होना है कि नहीं होना है, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, DV से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो, ये जस्ट आपका स्टेज सेकंड एग्ज़ाम है, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप लोग वो डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाएँ जिनमें आपको डाउट है, जैसे कि आप CCC के सर्टिफिकेट है, कैंडिडेट्स को डाउट है कि मेरा इस समय का CCC है और क्या वो एलिजिबल होऊंगा मैं उस टाइम पर, ठीक है, या फिर उनका किसी कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड अदर सर्टिफिकेट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा है कि आपके पास ये टाइम है कि जहाँ से आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाएंगे वहाँ पे जाके रिक्रूटमेंट वहाँ पे जाके पता भी कर पाएंगे,
ठीक है। हालांकि सेंटर्स पे एग्ज़ाम्स होगा ये स्टेज सेकंड का, लेकिन वहाँ पे अलाहाबाद हाई कोर्ट के जो हेड या मतलब सॉरी अलाहाबाद हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट सेल्स के काफ़ी पर्सनस होंगे, आरओ होंगे, तो वहाँ से भी आप कैंडिडेट उन लोगों से पूछ पाएंगे कि ये मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। और भी अगर आपकी क्वेरीज रहती है कि डीवी मैं क्या करूँ, मुझे तो डीवी मुझे लेके जाने हैं, तो देखिए फ्रेंड डीवी अगर आपको लेके जाने हैं तो फोटो स्टेट लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कि वैसे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये आपके जब आप स्टेज सेकंड क्लियर कर जाएंगे उसके बाद ही आपको रिक्वायरमेंट होगी इसकी। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ एक सेकेंड। अब बात करते हैं थर्ड थिंग की, थर्ड क्वेरीज रही मार्क्स और क्वालिफाइंग। देखिए फ्रेंड इसके अगर आपने नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके इसके मार्क्स जो हैं 25 और 25 मार्क्स के हैं इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। तो ये आपके मार्क्स से रिलेटेड रहेगा। अब सेकंड थिंग्स देखिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे दिया गया है 300 और 250, ठीक है। तो अब आप भयभीत ना होके अपनी टाइपिंग पे फोकस करें और इस चीज़ पे फोकस ना करें कि मैं क्वालिफाइंग कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। हालांकि जो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में दिया हुआ है वो साफ साफ मेंशन किया गया है कि 30 आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए और आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए। लेकिन उसमें एक नीचे एक लाइन और दी गई है नोटिफिकेशंस में, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको फिर से डिस्क्राइब कर देंगे। एक वीडियो और हमने इसी रिलेटेड बनाया था, ठीक है, सबसे फर्स्ट वीडियो अलावा हाई कोर्ट का, तो उसमें हमने साफ साफ मेंशन किया गया था कि उसमें एक ये लास्ट लाइन में दी गई है कि अगर रिलेवेंट होगा तो अलावा हाई कोर्ट ये चीज़ को कम भी कर सकता है। लेकिन ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जब 25 और 30 WPM की स्पीड आएगी तभी आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है, तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। हो सकता है अलावा हाई कोर्ट इस चीज़ को कम कर दे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आपको 300 और 250 वर्ड्स ही दिए जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें और बिल्कुल बिंदास होकर टाइपिंग पे फोकस करें। अब बात करते हैं बैक स्पेस काउंट और नॉट। देखिए फ्रेंड, अब भी अगर आप ये कहते हैं कि मैं बैक स्पेस के बारे में रिलेटेड बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि देखिए अब आपको बैक स्पेस के बारे में सोचना नहीं है, जस्ट आपको वहाँ पर मटेरियल टाइप करना होगा। अगर बैक स्पेस आपको जरूरत पड़ी है तो बैक स्पेस को यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ इसको यूज़ मत कीजिए, ठीक है। और वैसे भी आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, जो कैंडिडेट जिसकी स्पीड 30 से 40 के आसपास चल रही है तो वो तो भूल ही जाए कि उसे बिल्कुल भी टाइम मिलेगा टाइप करने के बाद कि वो बैक स्पेस को देखे और उसको यूटिलाइज़ करे, क्योंकि अगर उसने नज़र यहाँ रखी तो उसकी नज़र पेपर से हट जाएगी और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है। लेकिन जिसकी 40 प्लस स्पीड है तो वो तभी कुछ बैक स्पेस का यूज़ करके उसे सही कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप बैक स्पेस के बारे में ना सोचें और अपनी टाइपिंग पर फोकस करें। अब बात आती है आईडी प्रूफ। देखिए फ्रेंड, अगर आपके पास रिटर्न जो आपने दिया होगा, ठीक है, उसकी अगर इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है, एडमिट कार्ड आपका रिटर्न का एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, तो उसके इंस्ट्रक्शन सेट को भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी आईडी के बारे में यही चीज़ लिखी गई थी जो आपके इसमें दी गई है कि सिग्नेचर फोटो विद सिग्नेचर की कोई भी आईडी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके आधार कार्ड उसमें वर्क नहीं करेगा, आप आधार कार्ड को लेके जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप इस ये वैलिड है, ठीक है। इसका भी अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो आप हमें बता दीजिएगा, इससे भी हमारी बात हुई थी कुछ कैंडिडेट्स की अलावा हाई कोर्ट से, तो उन्होंने इसको अलाउ किया है। बाकी आप अपने एडमिट कार्ड जो पुराना एडमिट कार्ड है रिटर्न का उसको आप चेक करें और वहाँ से भी आपकी अपनी क्वेरीज को सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर और वर्डपैड, वो आपके टाइपिंग किस पे कराएंगे। देखिए फ्रेंड, वहाँ पे जो आपकी टाइपिंग होगी वो 90% चांस है कि सॉफ्टवेयर, लेकिन हम इसको फोकस नहीं करेंगे कि वो सॉफ्टवेयर पे कराएंगे या वर्डपैड पे कराएंगे, ये उनका ही इशू है, ठीक है। वो किसी पे भी करा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना पता है कि कंप्यूटर पे आपको कीबोर्ड होगा यहाँ पर, ठीक है, आपका डेस्कटॉप होगा यहाँ पर, आपको पेपर दे दिया जाएगा, आप इसको जैसे भी रखें जैसे भी करें, ठीक है, और इसको बस आपको टाइप करना है, चाहे वो किसी भी फ़ॉन्ट पे आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे आपको दे दें, ठीक है। तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं है। अब बात आती है ऑडियो ऑफ ऑनलाइन। कुछ कैंडिडेट्स का ये क्वेरीज थी, सर आप हमें इसकी वो दे दीजिए कि मतलब कि इसकी ऑडियो दे दीजिए ऑफलाइन और ऑनलाइन मैटर की, कि ऑफलाइन होना है या ऑनलाइन होना है, आपके अलावा हाई कोर्ट से रिलेटेड बात हुई है तो उससे रिलेटेड। तो फ्रेंड देखिए, कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि इस चैनल्स पे जैसे बताया जा रहा है ये सही नहीं है, ठीक है, हो सकता है ये गलत हो, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स की ये भी रहा था कि ये आप कैसे कह सकते हैं आपने किसी से बात नहीं करी या कुछ,
देखिए हमारे पास सारे के सारे जो चीज़ होती हैं, अगर हमें भी कहीं डाउट होता है तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से या कुछ दूसरे कैंडिडेट्स होते हैं या हमारे जो फ्रेंड्स हैं आरओ, ठीक है, उन लोगों से बात करके इस चीज़ को बड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है, उसी के बाद अपने वीडियो को यहाँ अपलोड करते हैं। अदरवाइज हम वीडियो को अपलोड ही नहीं करेंगे। आपने देखा भी होगा जितने समय से स्टेट टू के रिलेटेड कुछ बात ही नहीं चल रही थी, तो हमने उससे कोई भी रिलेटेड डाला ही नहीं वीडियो कि इस समय आपका एडमिट कार्ड आ सकता है या नहीं आ सकता। हमने उस क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है तो हम उसके बारे में क्यों आपसे डिस्कशन करें, जिसके बारे में हमें पता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। अगर आपको ऑडियो चाहिए, ठीक है, उन सभी का एक वीडियो चाहिए कि जिसमें ये सभी बात हुई हैं कैंडिडेट्स की और हमारी, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप अगर जितने मुझे इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस चीज़ की इंक्वायरी मिलेगी कि सर मुझे उसे कहते हैं इसकी जो आपसे बात हुई है या किसी कैंडिडेट की बात हुई है, तो उसके जितने भी आपके पास ऑडियो हैं तो प्लीज़ उसके लिए एक वीडियो बना के दे दीजिए, तभी हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। क्योंकि ये मुझे रिलेवेंट नहीं लगता कि किसी की बातचीत को आप सुने, ठीक है, आप अगर सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया मिलेगी तभी हम यहाँ पे आपको उसका वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे। अब बात आती है वॉट शुड वी डू, कि हम क्या करें, अब ये सब चीज़ आगे अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक वर्ड होता है प्रैक्टिस, तो आपको इस पर फोकस करना है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं पेपर से अब करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए 90% ज़्यादा बता दिए सॉरी 70-90% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो केवल इसलिए डूबते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक फियरनेस पड़ जाती है कि उसे कहते हैं अब मैं क्या करूं, अब तो यार बहुत गड़बड़ हो गई, ठीक है, अब तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं तो हर बार सॉफ्टवेयर पर तैयारी कर रहा था और पेपर अब पेपर से दे रहे हैं, मैं कैसे करूँगा। देख आपकी आँखें वैसे भी उसे कहते हैं जो डिस्क्रिप्शन पेपर्स पे जो या फिर सॉफ्टवेयर पे जो लिखा हुआ होता था उसी पे रहती थी, आपको यहाँ पे भी सेम वही करना है कि आपको जो डेटा दिया जा रहा है उस पे अपनी आँखें गड़ानी है और अपनी फिंगर्स पे बिलीव करना है, अपनी फिंगर्स पे इतनी आपने प्रैक्टिस की है, अपने कम से कम अपने हाथों पे तो कुछ विश्वास कीजिए कि हाँ मेरी फिंगर्स जो चलेंगी वो सही चलेंगी। आप देखिए कि मत कि कंटेंट मेरा क्या टाइप हो रहा है, जस्ट स्टार्टिंग की एक लाइन के लिए देख लीजिए कि हाँ कि मेरा कंटेंट टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद अपना अपना जो पेपर पे दिया हुआ है उसको टाइप करते चले जाइए, लास्ट में आपको खुद ही दिख जाएगा कि आपने क्या टाइप किया है। तो आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, आप जस्ट प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेटा कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट आपको मिल जाएगा, किसी भी आप किसी कहीं से भी कंटेंट निकाल सकते हैं, 10 फास्ट फिंगर से निकाल लीजिए या फिर आप जूनियर टाइपिंग ट्यूटर से निकाल लीजिए, कहीं से भी आप अपना डेटा ले सकते हैं और उसका प्रिंट आउट लीजिए A4 शीट पे, और आप उसका जो फॉन्ट साइज है, देखिए फ्रेंड दूसरी चीज़ है फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज देखिए मैं इसको कंफर्म नहीं कहूँगा लेकिन आप 16 से 18 के बीच के आसपास का फॉन्ट साइज आप अपने लीजिए और उसका उस डेटा को प्रिंट कराइए और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास बहुत कम दिन है, ठीक है, उस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। अब भी अगर आप ये सोचते हैं कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो बेकार टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है, क्योंकि अगर जो भी होगा वो आपको वहाँ मिल ही जाएगा, वैसे तो इंस्ट्रक्शन सेट में साफ ही दे रखा है कि ऑफलाइन आपको पेपर दिया जाएगा ऑनलाइन आपको प्रिंट टाइप करना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, थैंक यू फ्रेंड। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो के पसंद आए पे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए और इस वीडियो को शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।